मतदान के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा के द्वारा सिंधिया पर हमले तीखे किए जा रहे हैं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा के नेता व पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ज्योतिराज सिंधिया पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सिंधिया को दूसरे के लल्ला को पालने में खिलाने की आदत है। इन्होंने कहा कि यदि सिंधिया ने काम कराया है तो काम गिनाए, दूसरे के कराए काम को अपना ना बताए। नरोत्तम यही नहीं रुके, इनके द्वारा सिंधिया पर हमला करते हुए कहा कि यह गाड़ियों में नारियल व पत्थर रखकर चलते हैं, यही है सिंधिया का विकास। पूर्व मंत्री ने अपने अंदाज में राहुल पर कटाक्ष भी किया तो मोदी की तारीफों के कसीदे भी पड़े गए। इनके द्वारा कहा गया कि दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या फिर संसद में आंख मारने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, यह तय आपको करना है। साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि यदि मोदी ने 5 सालों में कुछ नहीं किया तो सारे चोट एक क्यों हो रहे हैं। इनके द्वारा कन्हैया कुमार के बयान पर भी बोलते हुए कहा कि कांग्रेसियों ने उनका सपोर्ट करते हुए कहा है कि कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, हम हर उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी केपी यादव ने भी सिंधिया पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि 4 बार से सांसद हैं, आज तक कोई कार्य नहीं कराया, सिर्फ हैंडपंप लगवाना विकास कार्य नहीं कही जाती, यह तो सरपंच के काम है जो सांसद गिनाते हैं। सभी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी मेहनत जीत दिलाती है, आप सब बूथ स्तर पर काम करो, समय काफी कम बचा है। 5 साल का मंत्रिमंडल का अनुभव, एक आपके यहाँ लोकसभा के अनुभव, इस पूरे अनुभव का निचोड़ आज मुगावली के इस कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं की आवाज के जोश के आधार पर अगर मैं निकालू तो मैं ये कह सकता हूँ कि केपी यादव को आप चुनाव जिताने ले जा रहे हैं। अभी जब धनपाल भाई भाषण दे रहे थे या पता नहीं राम राजा दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मैंने मकड़ी की तरह सड़कों का जाल बनाया, सिंधिया जी कह रहे थे। अच्छा ये बताओ, ये जो मेन हाईवे है गुना ग्वालियर वाला, ये इसी 5 साल में गिरा है ना मोदी जी के कार्यकाल का? सड़कें मेन जो गिरी है मूल इन्हीं 5 सालों में गिरी है ना, तो ये तो 5 साल से सरकार में थे नहीं, तो सड़क इनने कैसे मंजूर कराई? और जब ये 10 साल सरकार में रहे तो इनको उद्योग मंत्री थे, ठीक है नहीं थे? कितने उद्योग लगे अपने मुगावली में आप लोग सोचो। वही अटल बिहारी वाजपेयी की सड़कें का उद्घाटन करते थे, गाड़ी में नारियल और पत्थर लग के लाते थे और लगाते जाते थे जो अटल जी है। बस यही विकास के मसीहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया मित्रों।